सब्सक्राइब करें फूड टिपर्स एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टिपर्स। कैसे हैं आप सब? आज हमारे किचन में बन रहा है बड़ा ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा, जो सभी को बहुत पसंद आता है। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 3 किलो गाजर मैंने ग्रेट करके रखी हैं। 200 ग्राम चीनी है, 1.5 कप। 200 ग्राम होममेड खोया है, इसकी रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ। 4 से 5 इलायची है। बादाम आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कीजिएगा। और 1 कप हम घी यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक पतीले में घी डालेंगे। इलायची शामिल कर देंगे। अब इसमें गाजरों को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो पर सेट की हुई है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद देखें, गाजरों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे बार बार हमने चमचे की मदद से हिलाते रहना है। गाजरों के पानी को हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है, और जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता, हम हर थोड़ी देर के बाद चमचे को चलाते रहेंगे। देखें, अब ये काफ़ी खुश्क हो गया है और हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। बारीक कटे हुए बादाम भी ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 40 मिनट में हमारा ये हलवा रेडी हुआ है। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाऊंगी आपको। देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका। ऊपर से मैंने इसको खोए और बादाम के साथ गार्निश किया है। गाजर का हलवा बनाने की जो ट्रिक है वो ये है कि आपने इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। जितना आप हिलाएंगे इसको, उतना ही इसका कलर अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।